दोस्तों, आज का सुपर बैटल बहुत अलग होने वाला है, क्योंकि थेनोस अपने इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ सुपरमैन के अब तक का पावरफुल वर्जन कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के साथ फाइट करने वाला है। तो जानते हैं थेनोस अपने इन्फिनिटी गॉन्टलेट के पावर से कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को हरा पाता है या नहीं। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में इन्फिनिटी गॉडलाइन के पावर के बारे में जानेंगे। थेनोस ने अभी तक इन्फिनिटी गॉडलाइन से क्या क्या किया है इस बारे में जानेंगे, और कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की। दोस्तों, आप कई सुपरमैन के बारे में जानते होंगे, जैसे कि क्लासिक सुपरमैन, सुपरमैन बियॉन्ड और सुपरमैन 1 मिलियन। लेकिन ये सुपरमैन सबसे अलग और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर हम इसकी ओरिजिन के बारे में बात करते हैं, तो इस सुपरमैन को मॉनिटर्स द्वारा बनाया गया था, जो कि एक रोबोट है। एक ऐसा रोबोट जिसकी स्वयं की सोचने की क्षमता है, जैसे कि मार्वल का विजन और अल्ट्रॉन, पर इनसे अलग। यह सुपरमैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर काम नहीं करता, बल्कि ये काम करता है दो सुपर हीरो के एनर्जी, या फिर बोल सकते हैं सोल पर काम करती है। वो है सुपरमैन और अल्ट्रामैन का, यानी कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन दो सुपर हीरो का कॉम्बिनेशन है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पास सुपरमैन और अल्ट्रामैन की मेमोरी, एसेंस और पावर है। इस सुपरमैन के पास लिमिटलेस पावर है, जो कि एक मल्टीवर्स बींग के पास होती है, बल्कि उससे भी ज़्यादा। इसके अलावा इस सुपरमैन के पास पास्ट के सभी घटनाओं की हिस्ट्री है, और फ्यूचर में होने वाली सारी घटनाओं की पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी है। या फिर हम बोल सकते हैं यह सुपरमैन नहीं है, बल्कि एक पावरफुल रोबोट है, जिसे बनाया गया था मल्टीवर्स को बचाने के लिए। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को मेंड्रैक को मारने के लिए बनाया गया था, जो कि एक ओवर मॉनिटर था। मेंड्रैक के पास मल्टीवर्स ऑफ बींग के लेवल की पावर थी, जिसे लगता था कि मल्टीवर्स को खाने से उसकी शक्ति बढ़ जाती है। अब इतने बड़े विलेन को मारने के लिए एक बड़े सुपर हीरो की जरूरत थी, तब बनाया गया कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ने सिर्फ अपने हीट विजन से मैंड्रैक को रियलिटी से इरेज कर दिया। अगर हम कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की पावर और एबिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो इस सुपरमैन के पास 4D विजन है, यानी DC मल्टीवर्स में होने वाली हर घटना को एक साथ देख सकता है। यह सुपरमैन सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट कर लेता है, यानी अगर कोई उसे पावर चाहिए तो सिर्फ उसे सोचना है, फिर वो पावर उसके पास होगी। या आप जो सोच सकते हैं, कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन वह हर चीज़ कर सकता है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन रीडर को फेल कर सकता है, और अभी तक के DC मल्टीवर्स के इवेंट को बता सकता है और अपने हिसाब से लिख सकता है। DC मल्टीवर्स का कोई सा भी करेक्टर कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को नहीं हरा सकता है। यह भी कह सकते हैं DC के गॉड द प्रेजेंस के बाद सेकंड पावरफुल बींग कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पास इमोर्टेलिटी, टाइप 1 एंड टाइप 2, रीजनरेशन, रिलेटिव वार्पिंग, प्लॉट मैनिपुलेशन, स्पेस टाइप मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, क्वांटम मैनिपुलेशन और हायर डायमेंशन मैनिपुलेशन जैसी पावर और एबिलिटी है। दोस्तों, अब बात करते हैं इन्फिनिटी गॉन्टलेट से क्या क्या कर सकते हैं, या फिर इसे पहनने वाला क्या क्या कर सकते हैं। इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहनने के बाद स्पेस टाइप मैनिपुलेशन, रियलिटी वार्पिंग, मैटर मैनिपुलेशन, टेलीपोर्टेशन, सोल मैनिपुलेशन और एनर्जी मैनिपुलेशन जैसी पावर आ जाती है। या फिर हम बोल सकते हैं इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहनने वाले के पास गॉड लाइक पावर आ जाती है। वह यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं थेनोस ने इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहनने के बाद क्या क्या किया है। मुई में तो जानते ही हो, थेनोस ने पूरे यूनिवर्स के आधे पॉपुलेशन को खत्म करना चाहता था, और वह इस काम में सफल भी हुआ। साथ ही साथ उसने अवेंजर्स को भी हराया। हालांकि बाद में अवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल कर सब कुछ ठीक कर दिया। कॉमिक में भी थेनोस को कई बार सभी इन्फिनिटी स्टोन हासिल हुए, और उसने यूनिवर्स के आधे पॉपुलेशन को भी खत्म किया था। पर जब भी थेनोस को इन्फिनिटी गॉन्टलेट हासिल हुआ, वह हर बार हार गया। थेनोस के हाथ इन्फिनिटी गॉन्टलेट होते हुए भी उसने अपनी हार खुद चुनी।
तो दोस्तों अब करते हैं इन दोनों कैरेक्टर का कंपैरिजन। कॉस्मिक आर्मर सुपर में एक मल्टीवर्स बींग है, उसके पास मल्टीवर्स बनाने और खत्म करने तक के पावर है, जबकि थेनोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट से सिर्फ उसी के यूनिवर्स बना सकता है और खत्म कर सकता है। तो यहाँ पर कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन का पावर लेवल थेनोस से एक लेवल आगे है। इन्फिनिटी गॉन्टलेट सिर्फ मार्वल यूनिवर्स पर काम करती है, जबकि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन का पावर डीसी यूनिवर्स के बाहर भी काम कर सकता है। इसका मतलब है कि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन थेनोस के यूनिवर्स में अपनी पावर के साथ फाइट कर सकता है, लेकिन थेनोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट से डीसी यूनिवर्स में फाइट नहीं कर सकता है, क्योंकि डीसी यूनिवर्स में इन्फिनिटी गॉन्टलेट काम नहीं करेंगे। यहाँ पर कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन का पावर लेवल और आगे निकल जाता है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन पूरे डीसी मल्टीवर्स को अपनी उंगली पर रख सकता है, तो दूसरी तरफ थेनोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट से सिर्फ एक यूनिवर्स का बॉस बन सकता है। दोस्तों इन सब पॉइंट से क्लियर हो जाता है कि इस सुपर बैटल का विनर कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन होगा। इन सब के अलावा थेनोस को इन्फिनिटी स्टोन काम में लाने के लिए मुट्ठी दबाने की जरूरत पड़ती है, तो यहीं पर कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन थेनोस को मुट्ठी दबाने से रोक देगा, जैसे कि अवेंजर्स ने थेनोस को रोका था। फिर कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन थेनोस को रियलिटी से इरेस कर देगा। दोस्तों मेरे ओपिनियन से कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन इस सुपर बैटल का विनर होगा। अगर आपको लगता है कि थेनोस इस सुपर बैटल का विनर होगा तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस प्रकार थेनोस कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को हरा सकता है। और लास्ट में अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।